हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं हूँ आकाश हम अगर पहली बार मिल रहे हैं तो मेरा स्पेशल है आप लोगों को आ, बहुत सारी रिक्वेस्ट थी बहुत समय से कि इलेक्ट्रिक गिटार पर एक सीरीज़ चालू की जाए अकोस्टिक गिटार बहुत लोग बजा रहे हैं स्पेशली लॉकडाउन में बहुत लोगों ने गिटार बजाना अभी अभी स्टार्ट कियाकोस्ट गिटार खरीदा इलेक्ट्रिक में आना चाहते हैं बट पता नहीं है इलेक्ट्रिक में कौन सा लेना है कैसे देखना है इलेक्ट्रिक गिटार और अकूस्टिक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये सब कवर करने के लिए मैंने सोचा मैं एक पूरी एक सीरीज़ बनाता हूँ सो so, ये केवल एक वीडियो नहीं है मैं एंड में इसका दूसरे वीडियो का भी लिंक दूंगा आपको तो आप आराम से अगर आपने अभी अभी इलेक्ट्रिक गिटार खरीदा है या नहीं ख़रीदा है ये दो तीन चार जितने भी वीडियोज़ होने वाले हैं ये सब देखिएगा आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है ठीक है सेलेक्टिंग योर गिटार गिटार इलेक्ट्रिक गिटार ना काफ़ी तरह की बॉडीज़ आती हैं अलग अलग डिज़ाइंस की होती हैं फॉर्चुनेटली मेरे पास सारी हैं स्ट्राटोकास्टर शेप जो आपने मुझे देखा होगा जो मैं पिंक गिटार पर जाता हूँ वो स्ट्रैट है लेसपॉल शेप आपने देखा होगा मेरे पास एक ब्लैक uh, कलर का एपीफोन कस्टम है देन टेलीकास्टर आज मेरे हाथ में है अब जो ये मेरे हाथ में ये uh, मैंने बहुत रिसर्च करके मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि आ, इंडिया में बारह पंद्रह हज़ार की रेंज में सबसे अच्छा गिटार कौन सा है मुझे ये रोज़ इंस्टाग्राम पे कम से कम पचास से सौ क्वेरीज़ आती थी और मैं कभी रिप्लाई नहीं कर पाता था कभी नहीं क्यों क्योंकि मुझे लगता था कि मैं क्या बताऊँ मुझे खुद नहीं पता था कि दस पंद्रह हज़ार रुपये में क्या अच्छा सकता है क्योंकि जब जब मैंने अपने स्टूडेंट्स के गिटार्स बजाए सारे चाइनीज़ गिटार्स वो क्वालिटी में मुझे सेटिसफेक्शन नहीं मिला कभी भी नहीं मिला सो so, uh, मैं हमेशा ढूंढता था मार्केट में कुछ है क्या कुछ कोई यूरोपियन गिटार आए कोई साउथ अमेरिकन गिटार आए अमेरिकन ऑफ कोर्स महंगे हैं अमेरिकन गिटार सबसे महंगे हैं फिर है मेक्सिकन गिटार्स है ना फिर हमारे जापनीज uh, भी काफ़ी एक्सपेंसिव गिटार्स हैं सो मैं हमेशा देखता था यार इंडियन मार्केट में कब ऐसे गिटार्स आएंगे नॉन चाइनीज़ बट बजट में फाइनली मैंने ढूंढ लिया है हमारे मार्केट में आ गया है ये अर्जेंटीना का ब्रांड है न्यू एन ठीक है मेड इन अर्जेंटीना गिटार से माइंड यू है ना तो जैसे हमारा फेंडर नहीं होता कि यू नो स्टार्ट ओकेस्टर बट पीछे लिखा होता है मेड इन चाइना तो क्वालिटी बिल्ड वो चीज़ दिख जाती है टोन लकड़ी लकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है गिटार की मतलब गिटार में होता ही क्या है बेसिकली पूरा गिटार नाइन्टी लकड़ी है ना लकड़ी का टोन होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर इलेक्ट्रिक गिटार में होते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक्स बट लकड़ी जो 95 परसेंट है वो बहुत ही सॉलिड बहुत ही बेहतरीन वुड होना चाहिए ताकि उसका टोन बहुत अच्छा है अब देखो मैं ये गिटार क्यों रिकमेंड करता हूँ बिगिनर्स को आजकल uh, मैं प्राइवेटली भी सिखाता हूँ सो so, प्राइवेटली भी जब भी कोई मुझसे पूछता है कौन से गिटार लेना है मैं कहता हूं आग बंद करके अगर बजट नहीं है न्यू एयर में इन्वेस्ट कर दो अनलेस पचास हजार रुपए का बजट हो बंदा कहता है पचास का तो बजट नहीं मैं कहता आग बंद करके इसमें इन्वेस्ट कर दो तो फिर बंदा अगला पूछता है कि क्या ये पंद्रह हज़ार का गिटार वो पचास के बराबर है इसका जवाब फॉर्चुनेटली यस yes है यस yes. मेरे पास जितने भी गिटार्स हैं कलेक्शन हैं सब पचास हजार के ऊपर ही हैं और आजकल मैं इससे अपनी प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग्स भी कर रहा हूँ अगर आपको ना पता मैं कुछ बॉलीवुड सिंगर्स के लिए भी प्ले करता हूँ मैं इससे रिकॉर्ड कर करके भी चीज़ें भेज रहा हूँ आजकल क्योंकि इसमें वो सारे गुण हैं टॉकिंग ऑफ वुड मैक्सिकन स्ट्रैटो कैस्टस जो होते हैं हमारा अमेरिकन स्ट्रैट मैक्सिकन स्ट्रैट उसकी लकड़ी कहाँ से आती है अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे लकड़ी कहाँ से आती है आपको पता चलेगा उसकी लकड़ी वहीं से आती जहाँ से इसकी आ रही है अर्जेंटीना अर्जेंटीना से उसकी लकड़ी आती है गिटार बनता है इम्पोर्ट होता है अर्जेंटीना का ही गिटार क्यों ना ले लो जब वो उतने ही पैसे में मिल रहा है मतलब चाइनीज वाले ब्रैकेट में मिल रहा है पंद्रह सोलह हजार का गिटार है ये, ठीक है ना ये बना है ओक से ओ ए के ओक वुड आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको एक चीज बताता हूं क्वीन बैंड का नाम सुना है बोमेन रैपसिटी वाले क्वीन ब्राइन में ब्रायन मैंने अपना रेड स्पेशल घर पे बनाया था अपने पापा के साथ स्टोरी पता है ना नहीं पता है तो नीचे लिंक डालूंगा स्टोरी देखना I mean, for instance, I the of these 100 year, 100 रेड स्पेशल में ओक यूज किया था इस गिटार में क्या है ओक ब्राइन में रेड स्पेशल अब मेरे ख्याल से उसकी री इशू ढाई तीन लाख रुपए के गिटार आते हैं ये कितने का पंद्रह सोलह हजार का <laughs> मैं आपको कंपेयर नहीं कर रहा हूं कि भाई यही लो बट मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपका बजट पचास हजार नहीं है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इस रेंज में चाइनीज गिटार्स के तो मैं थोड़ा सा खिलाफ हुई उनकी क्वालिटी मुझे नहीं समझ में आती है सो so, और मैं गेयर पे इतना फोकस इसलिए करता हूँ कि कौन सा गेयर लेना है कौन सा नहीं लेना है क्योंकि मैं पिछले 12 साल से गिटार सिखा रहा हूँ और मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स 90% परसेंट स्टूडेंट्स इसीलिए ड्रॉप आउट कर देते हैं गिटार बजाना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है गिटार बजाना बड़ा मुश्किल है और उसका रीज़न पता क्या होता है गेयर सही नहीं होता उनके पास गिटार सही नहीं होता है गिटार की नेक प्रोफाइल नहीं सही होती है उनका हाथ छोटा होता है नेक प्रोफाइल बड़ी है एक्शन सही नहीं है गिटार का गिटार का टोन अच्छा नहीं आ रहा है ये बड़ बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं इसलिए स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर देते हैं नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट्स दस परसेंट बचते हैं वही सीखते हैं आगे चल के सो so, मेरा जो मेन मोटिव है ये वीडियो बनाने का ये है ताकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखें लंबे समय तक सीखें आपके साथ ये चीज़ पूरी ज़िंदगी रहे आपकी कल को आप लेट्स से गिटारिस्ट नहीं बने म्यूज़िशियन नहीं बने किसी और प्रोफेशन में इंजीनियर हो डॉक्टर हो पायलट हो, हो कुछ भी हो आपकी एक हॉबी तो होगी ना और वो हॉबी क्या होगी बहुत मज़ेदार हॉबी हो सकती है गिटार म्यूज़िक पेंटिंग बट अगर आप इस तरफ हो गिटार वाली तरफ तो ऑफ कोर्स मैं आपको हेल्प करने के लिए हूँ मैं चाहूँगा आप ये लाइफ टाइम करो क्योंकि आज नहीं आप शायद आज से तीस साल बाद ज़रूर मुझे याद करोगे कि इसके चक्कर में मैंने Uh, उठाया था गिटार और इसने मेरे को सही रिकमेंड किया था एंड नाउ दैट आई एम हेयर सो लेट्स स्टार्ट विद द गिटार में इलेक्ट्रिक गिटार में क्या क्या होता है क्या क्या चीज़ें होती हैं देखो ये है इलेक्ट्रिक गिटार का सबसे बे बेसिक जो डिफरेंस बताता हूँ आपको ये दिखेंगे दो ये पिकअप्स हैं इसको आप माइक बोल सकते हो माइक अकूस्टिक गिटार के आगे माइक लगाते हैं ना ये पिकअप है ये माइक हैं इसके दो माइक लगे हुए इसमें ठीक है ऐसे बोल सकते हो इस वाले को बोलते हैं क्योंकि ये हमारे नेक के पास है हम इसको बोलते हैं नेक पिकअप इसको बोलते हैं ब्रिज पिकअप कई गिटार्स में तीन भी होते हैं और ये सिंगल कॉल्स हैं हम बर्करस भी आते हैं अब हम बर्करस और सिंगल कॉयल में क्या फर्क है सिंगल कॉल पतले होते हैं हम बर्कर थोड़े चौड़े होते हैं जो आपको मेरे ब्लैक लेसपॉल में दिखेंगे और पी में दिखेंगे वो हम बर्करस हैं एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम बर्करस बहुत साइलेंट होते हैं सिंगल कॉल्स बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं हम बकर से मेटल बच सकता है सिंगल कॉयल से हैवी म्यूजिक नहीं बच सकता है अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो अकी हिमसेल्फ इज माई हैंडल देखना मैंने वहां पर स्लिप नॉट का एक गाना इसी गिटार से बजा के दिखाया है मिथ है इट्स जस्ट योर फिंगर्स टॉकिंग ऑफ नॉइस नॉइस टेस्ट मैं खुद कर चुका हूँ अपने स्टूडियो में मैंने अपना लेस पॉल्प प्लग इन किया था पूरा खोल दिया था वॉल्यूम नॉब और ऐसे हाथ छोड़ दिया था माइनस 26 डेसिबल की नॉइस थी गिटार में इसको प्लग इन किया पंद्रह सत्रह हज़ार के गिटार को खोला छोड़ दिया इस लेस पॉल से दो डेसिबल्स ज़्यादा नॉइस थी तो इसको क्या है कंसिडरेबल वो बोलोगे अगर आप सुनने बैठो ना आपको समझ में भी नहीं आएगा दो डेसिबल्स की नॉइस आपको समझ में भी नहीं आएगी डिफरेंस प्लीज़ वो मिथ पे मत विश्वास करना लोग कहते हैं यार सिंगल कॉइल ना सस्ता मिल रहा है हम बकर महंगा मिलता है अरे भाई मिथ है डेविड गिलमोर पिंग फ्लॉइड स्टीवी रे वॉन जिमी हेंड्रिक्स कौन से गिटार बजाते आए हैं अगर आप सर्च करोगे आपको पता चलेगा सब फेंडर स्टाटो बजाते थे बजाते हैं और वो नॉइसलेस पिकअप्स नहीं है नॉइसलेस पिकअप्स में टोन हैम्पर हो जाता है वो फुल पावर स्टॉक पिकअप से बजाते थे और हल्का हल्का इधर उधर मॉड कर दिया जॉन मेयर फेंडर के बाद जब पी में गए सिंगल कॉयल बजाते हैं सो so प्लीज ये मिथ मत रखना दिमाग में ठीक है सिंगल कॉयल्स नॉइसी होते हैं हेवी नहीं बज सकता है मिथ है ना ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये बताता है कि कौन सा पिकअप सेलेक्ट करना है अब देखो अब जैसे मैंने इसको सबसे इधर किया तो ये वाला पिकअप सेलेक्ट हो गया है अब इसकी टोन सुनो जब इसको इधर किया तो ये वाला पिकअप सिलेक्ट हुआ है अब आप ये भी तो है ये क्या करेगा ये इन दोनों पिकअप्स को सेलेक्ट कर लेगा अब दोनों सेलेक्ट हो गए अब आवाज सुनो मस्त है ना तो बाय द वे अगर आपको ये गिटार का लिंक चाहिए हो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम या फिर वेबसाइट पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हो अगर आप चाहो सो पिकअप्स पिकअप्स में आवाज़ समझ में आई इसमें थोड़ा सा बेस ज़्यादा था नेक पिकअप में थोड़ा सा बेस ज़्यादा था इसमें थोड़ा, इस थोड़ा सा ट्रेबल ज़्यादा था फिर से सुनाता हूँ नेक ब्रिज बोथ वॉल्यूम मैं बार बार वॉल्यूम खोल रहा हूं वॉल्यूम बंद कर रहा हूं बिल्कुल पास वाला वॉल्यूम बटन है इधर वाला टोन है टोन क्या करता है ये देखो मैंने सेलेक्ट किया ब्रिज पिकअप मैंने टोन जीरो कर दी आवाज सुनिए तो एकदम से सारा ट्रेबल चला गया है टोन तो जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ट्रेबल बढ़ेगा जितना कम करोगे उतना बेस बढ़ेगा ऐसे सोच सकते हैं ना ठीक है ये हो गए गिटार के इलेक्ट्रॉनिक्स बाकी गिटार बॉडी अकूस्टिक वाला ट्यूनिंग पैक्स अकूस्टिक वाले और कोई डिफरेंस है नहीं है कनेक्ट हो जाता है एम्पलीफायर से एम्प कौन सा लेना है एम्प कोई भी ख़रीद सकते हो मेरा पर्सनल फेवरेट आप लोगों को दिख रहा है जो ब्रांड है दिख रहा है क्यों बोला मैंने दिख रहा है मेरा पर्सनल फेवरेट जो ब्रांड है आप लोगों को दिख रहा है मुझे इसके छोटे छोटे बच्चे आते हैं ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये प्रोफेशनल सीरीज़ है नाइनटीन है हाँ इसके छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं मैं बच्चे बहुत समय से यूज़ भी करता है दिखाऊँ क्या कोई भी बच्चा ले लो सारे बच्चे अच्छे हैं <laughs> इनके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं साउंड बहुत अच्छा होता है मार्शल एम्प्स का एंड मेरी मानो तो रिवर्ब के साथ लेना कोई भी लेना आठ हज़ार का भी लेना रिवर्ब होना चाहिए बताऊंगा रिवर्ब क्यों होना चाहिए ठीक है गिटार ले लिया एम्प ले लिया एक एक्सरसाइज भी बता देता हूँ आज क्रोमैटिक स्पाइडर देखो क्या करना है कोई भी पिकअप सेलेक्ट कर लो देन फिफ्थ थ्रेड सिक्स स्ट्रिंग चारों फिंगर मैंने वह बिठा दी उठाए कोई फिंगर नहीं अब फिंगर एक एक करके उठेगी और फिफ्थ स्ट्रिंग पे जाएगी पहली उठी तीनों वही है। एक एक करके उठेगी जब ये हो जाए एक फिट पीछे चले जाओ फोर से चालू करो ये एक्सरसाइज हमेशा वार्म के लिए रखो इसको करो वीडियो बेहतरीन लगाए लगाए अगर थोड़ा सा ऊपर से निकला डिटेल्स में चीजें चाहिए डिटेल्स डिटेल में चीजें चाहिए मैं पर्सनल प्राइवेट भी सिखाता हूँ इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज लिखना मैं गाइड कर दूंगा या फिर नीचे मेरे मैनेजर का नंबर है आप कॉल करके क्लासेस के बारे में पता कर सकते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप क्लास ज्वाइन करोगे मज़ा आएगा आपको सिखाने में सामने बैठ के ठीक है चल देन नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इधर दिख रहा है नेक्स्ट वीडियो के लिंक पे क्लिक करो और बात करते हैं